Dear students of class 9th, Assalamu Alaikum Dear students, today we are going to read a poem titled Car Driver. This poem is written by a prominent Dogri poetess, Padma Sachdev. Although she writes this poem in Dogri language, later on this poem was translated into English by a prominent politician. Dr. Kern Singh. Padma was born on 17th April 1940. She writes besides poems, short stories. She has written about women related subjects, nature, and human emotions. Her poetry is intensely emotional. इन नाइनटीन सेवेंटी वन शी व साहित अकेडमी अवार्ड फॉर हा कॉलेक्शन ऑफ पुईम्स मेरी कविता आ वी से मेरे गीत तो प्यारे बच्चों अब हम देखते इस पुइम में इसने किन ख्याल का इजहार किया क्या मकसद था इस पूम को लिखने का इस शायरा को मेरे बच्चों इसमें वो टसल हमें दिखाई देती है जो एक मां को अपने आप के हवाले से अपने आप से जो मोहब्बत होता है और जो मोहब्बत इसको अपने बच्चों से होता है यानी किस किस तरह एक मां अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बच्चों के तय करती है कि उसको अपने आप का गम नहीं होता है अपने आप को खतरे में डालकर लेकिन हमेशा इसी ताक में होती है कि मेरे बच्चे खैरियत से हों, तो खुद खतरे में डालकर बच्चों की आफियत के लिए तहफ के लिए एक माँ तागा कर करती तो आइए सीधे हम इस पोम की तरफ जाते हैं पेरे बच्चों इन द ऑफ द केयरफुल बुलबुल जंगल जो होता है जहां खामोशी होती है खामोशी जंगल की क्या है? किस चीज की किस चीज का इजहार करती है खोफ का इजहार करती है यानी जंगल की खामोश खुद ब खुद, खुद एक खोफ कर देती है उन लोगों पर जो वहां से गुजरते हैं जो जंगल में से गुजरते हैं तो ये कहता है ये शायर शायरा यहाँ कहती है इन साइलेंस ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट आई हियर इस जंगल के इस पुरखूफ खामोश माहौल में मैं सुनती हूँ द साउंड ऑफ पाज ऑफ ए केयरफुल बुलबुल एक चोक्स एक होशियार बुलबुल के पंजु की आवाज इसको आती है सुनाई देती है आउट इन द नाइट शेकिंग दैड जो रात के वक्त चलती है हिलाती है अपनी पर्वों को अपने सर के ऊपर से टू फाइन फूड फाइट फॉर लिटल वन हम इन द ने क्यों ये इतनी इस कश्म कश में होती है क्यों ये इस तागत में होती है ये परिंदा ये बुलबुल क्योंकि इसको फिक्र होती है बतौर बहसी माँ इसको फिक्र होती है कि इसके बच्चे वहां भूखे होते हैं घोंसले में चार छोटे से नन्हे से बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए गुजा की तलाश में ये तगदो करती है इस खौफनाक मंजर में गजा को तलाश करती है अपने बच्चों की के, के लिए यानी यहां, यहां ये माँ की ममता का इजहार करती है शायरा जो इसका जो मोहब्बत होता है अपने बच्चों की तय Moving slowly, afraid, its ears to pick some sound somewhere. लेकिन इसको अपने जान का भी खतरा होता है जान का भी खोफ होता है कौन होता है जिसको अपनी जान की फिक्र न होती है वही फित्री चीज इसको भी पेश आती है लेकिन तब भी ये अपने आप को खतरे में डाल देती है अपने कानून को मोहतात रखती है चौकस रखती है कि कहीं मुझे कि इस तरह से चली जाती है कि कहे मुझे खोफ की उस या कहीं दुश्मन की आवाज सुनाई तो दे तो ये इसी खोफ के आलम में अपनी चोच में दाने अपने बच्चों के लिए ले जाती है लेती चलती लेती चल रही होती है तो इसी खोफनाक माहौल में तेजी से आगे बढ़ती है अपनी गोश्ती की तरफ इट्स ट्विटरिंग फ्लैज लिंग्स डू नॉट नो द फास्ट ज इन द्रोस ऑफ फ़ियर इसके जो छोटे बच्चे थे नन्हे बच्चे थे इन्हें क्या पता था कि जंगल के जंगल के इस खोफनाक मंजर का इन्हें क्या मालूम था वो चींची वो चिल्लाते थे अपने उस घों में वो बेखबर थे इस जंगल के खोफ से दे कंटिन्यू चिपिंग वो मुसलसल चींची करते थे अपने घोंसले में भूख की वजह से अपनी मां का इंतजार करते द बुल बुल ट्रम्बल्स मूव विद हिज हेड रेज अलाउट ऑल यूज जो ये बुलबुल था ये बड़ी मोहताज से जंगल से अपने घोंसले की तरफ बढ़ती थी अचानक ये कांप उठती है इसके कानों को एक आवाज सुनाई देती है क्या आवाज होती है दे इज साउंड ऑफ फील्स सडनली दे इज साउंड ऑफ फील्स साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग इसको पहियों के चलने की आवाज आती है इसके कानों से टकराती है कि जो सूखे पत्ते होते हैं जंगल में जब इन पर से कोई चलता है तो वो क्रिस क्रिस जैसी वो आवाज आती है पत्तों के टूटने की वो आवाज आती है वही आवाज इसको आती है तो ये आवाज के कानों तक पहुंचते पहले थोड़ी जोर से आवाज आती है उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ती है यह आवाज चलने की आवाज द in इन द बुश आवाज सुनना था इस मां का तो ये अपने आप को झाड़ियों में छुपा देती है इट सीज ए बुल लॉक कार्ट लेडन विद गुड्स moving by themselves, heads down. क्या था इसका चलना था ये एक बेलगाड़ी होती है जो चीजों से लदी हुई होती है वो आगे नीचे की तरफ वो आती है तो फिर नीचे की तरफ चली जाती है ये सब कुछ ये बुलबुल जाओ में देखती है द ड्राइवर असलीप्नोंग आई इज कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन ये देखती है ये बुलबुल बुल वहां देखता है कि इस पर इस कार्ट का जो ड्राइवर होता है बुल्लॉक का जो ड्राइवर होता है वो सोया हुआ होता है वो खराटे लेता है यानी गहरी नींद में वो पड़ा हुआ होता है सोया हुआ होता है जिसने अपनी इस जो इसका वो दस्तार था तर्बन, ये टर्बन था उसी का एक सिर्रा एक सिर से उसी के एक सिर्रे से इसने अपने आप को अपने सर को डांप रखा था अपनी आंखों को डांप रखा था वट इफ दॉ स्टम्ब तो ये माँ ये जो बुलबुल बुल था ये सोचता इसी गुम ख्याल में गुम हो जाता है कि क्या होगा अगर कहीं ये गाड़ी लड़क जाए ड्राइवर ड्राइवर हुक्का उस गाड़ी में बेल गाड़ी में ड्राइवर का हुक्का होता है तो इसको ये ख्याल आता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये गहरी नींद में सोया हुआ है ये ड्राइवर अगर ये लड़क जाएगी ये गबेल गाड़ी, तो हुक्का नीचे गिर जाएगा तो हुक्के से जो गिरना ही हो, होगा हुक्का हुक्की का कि जो ये इसमें जो ये कोयला भरा हुआ है कहीं जंगल को आग न लग जाए कहीं जंगल जल न जाए तो ये सोच ये इन्हीं ख्याल में गुम हो जाती है इट अमेज द फॉरेस्ट ऑन फायर ये गुम हो जाती है कि अगर ये हुक्का गिर पड़े इस ड्राइवर की गफलत की वजह से तो जंगल को आग लग जाएगी तो ये ख्याल इसको बेकरार कर देती है विश टू रन टूवर्ड्स तो इट्स नेस्ट टू तो इट्स यंग वन इसको फिक्र लाक होती है अपने बच्चों की यह ममता दिखाई देती है इस माँ की जो अपने आप का कोई परवाह नहीं रखती है जिससे अपने आप का कोई परवा नहीं होता है अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों की सेहतियाबी के लिए परेशान होती है तो ये जल्दी चलती है जल्दी जल्दी उड़ती है कि मैं अपने बच्चों को सेफ कर लू कहीं ऐसा न कि की जंगल को आग लग जाए बट के नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ हर डर था खोप था जंगल में इस डर और खोफ की वजह से इसके पाओ नहीं उठते हैं। इसके पर नहीं हिलते हैं अपनी तरफ से ये बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के बचाव के हवाले से लेकिन डर और खूब की वजह से इसके इसकी जो टांगे होती हैं इसके जो पर होते हैं वो हिल नहीं पाते हैं तो पहले बच्चों यहां आपने देखा बड़े अच्छे अल्फाज में मां की ममता का इसने इजहार किया इस पुइट ने पुइट्स ने यहां किया इस पुयम में कि मां को कितनी ममता होती है कितना प्यार होता है इतना प्यार इसको अपने आप से नहीं होता है जितना प्यार एक मां को अपने बच्चों से होता है तो मेरे बच्चों ये प्यार इन्हीं ये जज्बात आपकी माँ भी होती है आपके हवाले से वो भी फिक्रमंद रहती है मेरा बच्चा कब लौट जाए मेरा बच्चा कब मेरे पास सही सलामत वापस आ जाए लेकिन बच्चे को याद रखना चाहिए कि माँ जो हर लम्हे हर पल परेशान होती है अपने बच्चे की सेहत के हवाले से अपने बच्चे की आफियत के हवाले से तो बच्ची को भी चाहिए बच्चे को भी चाहिए कि वो माँ का ख्याल रखे मां के सामने अदब एहतराम से पेश आए मां अपनी मां को अपनी पलकों पर बिछाए और कभी भी अपनी मां का दिल न दुखाए तो दीजिए मुझे इजाजत कल तक के लिए प्यारे बच्चों असलमकुम वरहमतुल्लाह